हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल द गुड्स इलेक्ट्रिकल में। मैं हूं आपका दोस्त द डेनिस टोनर, और आज का वीडियो होने वाला है एक रूम हीटर के ऊपर कि आखिर ये सन टाइप रूम हीटर क्यों इतना इफेक्टिव है। इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, इसके अनबॉक्सिंग करेंगे, और इसे यूज कैसे करना है, और क्यों ये अदर हीटर के मुकाबले में इतना अच्छा है और जल्दी काम करता है, ये सब हम लोग जानकारी आज के वीडियो में देंगे। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, तो इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो के उसे नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो चलते हैं आगे के वीडियो की तरफ। आखिर क्यों हमारा ये हीटर अदर हीटर के मुकाबले में इफेक्टिव है इतना ज़्यादा, तो बात करते हैं इसके एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में। तो पहले हम लोग जो रूम हीटर यूज़ करते थे वो सिंगल रॉड में आता था, इस टाइप का जो चीनी मिट्टी के रॉड के ऊपर वायर माइक्रोवेव वायर लगता हुआ रहता था। इसमें क्या होता था, ये 1000 वाट का रेट होता था, जिसके कारण बिजली भी ज़्यादा उठता था और ख़राब होने का चांसेस भी उतना ही रहता था। उसके बाद आया फिर शीशा रॉड जो 400 वाट का ही रहता है, लेकिन उसमें भी चांसेस ज़्यादा ही रहता है ख़राब होने का। उसके बाद ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आ रहा है ये रॉड, ये यू शेप में ये रॉड होता है जो कि हमारे इस हीटर में यूज़ किया हुआ है। इस रॉड में जो ये इसका अंदर का जो कॉइल है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, एक इसमें और एक आता है इसी टाइप का कॉइल, उसमें होता है शीशा का स्ट्रक्चर, नॉर्मल फिलामेंट यूज़ होता है, लेकिन इसमें एक स्पेशल तरह का फिलामेंट यूज़ हुआ है इस हीटर में जो कि हमारे कॉइल को जल्दी ख़राब नहीं होने देगा। तो चलते हैं आगे के अनबॉक्सिंग की तरफ हम लोग बिना देर किए वीडियो को। तो ये हमारा रूम हीटर है जो कि फैन लाइक स्ट्रक्चर में है। इसे यूज़ कैसे करना है आपको बता देता हूँ। इसमें एक मेन प्लग दिया हुआ है, इस मेन प्लग को हम लोग खोल लेते हैं। इसे हम लोग प्लग इन करेंगे, ये मेन प्लग हो गया इसमें। और तो ये हमारा रूम हीटर है, ये आप देख सकते हैं ग्रिड कंपनी का मैंने रूम हीटर लिया है। यहाँ पे इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं ऑक्सीलेशन के, ये मूव भी करता है। यहाँ ये 1 और 2 दो मोड पे हम लोग चला सकते हैं इसे। इस रूम हीटर को आप लोग देख सकते हैं दो मोड पे चला सकते हैं, ये 0 पे ऑफ हो जाएगा। इस साइड नॉर्मल के लिए है 1 2, और जब ऑक्सीलेशन पे 1 2 चलाना है उसके लिए है। मैं आपको इसका एलिमेंट दिखा देता हूँ, जैसा मैंने आपको एलिमेंट दिखाया था वैसा ही एलिमेंट इसमें यूज़ हुआ हुआ है, आप लोग देख सकते हैं साइड में ये एलिमेंट इसका दिखाई दे रहा है। इसी टाइप का इसका एलिमेंट है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वही एलिमेंट इसमें यूज हुआ है। तो ये काम कैसे करता है, कि काम इसका वही है कि ये एलिमेंट जब जलता है तो इसका पीछे का रिफ्लेक्टर फास्ट काम करता है। इसे मैं आपको जला के भी दिखा देता हूँ, एक सैंपल ऐड करता हूँ इसमें, 1 पे चला के देखता हूँ इसका लाइन आया है कि नहीं आया है, देख लेते हैं। ये देख रहे हैं हल्का सा फिलामेंट में लाइन आ चुका है, ये हमारा 1 ऑप्शन पे है। 2 पे देखते हैं, आपको कुछ डिफरेंस पता चलेगा। देख रहे हैं आप पीछे का रिफ्लेक्टर रेड हो चुका है, पीछे का रिफ्लेक्टर एकदम रेड हो चुका है। इसे हम 2 ऑप्शन पे चला के देखते हैं, ये देखिए रिफ्लेक्टर और भी रेड हो चुका है। मेरे को पूरा हीट फेस पे पता चल रहा है, अभी ही मैंने इसे ऑन किया है और अभी ही मुझे रिफ्लेक्टर का पूरा फेस पे इसका रेड और हीट महसूस हो रहा है इसका वेव। तो 5-10 मिनट मैंने अगर इसे चला के छोड़ दिया तब तो और ही हीट महसूस होने वाला है, और दूसरे हीटर में ऐसा नहीं होता है। दूसरे हीटर में हमें 10 मिनट वेट करना पड़ता है तब हमें हीट वेव पता चलता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें रोटेटिंग फंक्शन भी है, मैं रोटेटिंग फंक्शन आपको ऑन करके दिखाता हूँ।
इसमें रोटेटिंग फंक्शन भी है, ये देखिए हमारा मूविंग ऑन हो चुका है, ये 180 डिग्री पे मूव करेगा, इसमें रोटेटिंग फंक्शन भी है। दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूँ, इसमें और एक सेफ्टी पर्पस है जो इसे और भी खूबसूरत और इफेक्टिव बनाती है, जैसे कि अगर हम लोग रात को अगर कोई बच्चे हैं या हम लोग भी किसी को टकरा जाते हैं नींद में या कोई भी पेट इसे गिरा देता है तो इस हीटर में कभी भी आग नहीं लगेगा, हीटर से आग लगने का चांस नहीं है क्योंकि ये जैसे ही पटकाएगा वैसे ही बंद हो जाएगा, इसमें वही सेफ्टी पर्पस है। देखिए मैं इसे हल्का हवा में उठा देता हूँ और ये बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं, और मैं जैसे ही इसे रखूँगा फिर ये वो फिर से ऑन हो जाएगा, देख सकते हैं ये फिर से ऑन हो चुका है। तो इसी तरह के मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ, तो आपसे गुजारिश यही रहेगी कि वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और कोई भी आपको दिक्कत है वीडियो से रिलेटेड, कोई भी इन्फो लेना है और तो आप मुझे कमेंट डाउन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, नहीं तो उस पर एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, और इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहता हूँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।